हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने डाइवर्सिटी चैप्टर 1 पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। फर्स्ट टॉपिक इज़ इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनइक्वालिटी क्या होता है। इनइक्वालिटी एक सिचुएशन है जब पीपल आर नॉट इक्वल, पीपल के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं जैसे कि दूसरे लोगों के पास हैं, और उनको देखा जाता है उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, कास्ट सिस्टम, ये एक एग्जांपल है इनइक्वालिटी का। सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के पीपल रहते हैं जो अपने वर्क पे डिपेंड रहते हैं। उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है उसके बेसिस पे वो अपना काम करते हैं। इनइक्वालिटी कब आती है? जब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। जैसे कि रिचर सेक्शन है और पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, तो जो रिच सेक्शन को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो पुअर सेक्शन को ऑफ द सोसाइटी, उन पीपल को नहीं मिलती हैं। इस वजह से इनइक्वालिटी कम्स अबाउट वेन अ पर्सन डज नॉट हैव रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सनस। जो अदर पर्सन को दी जा रही हैं अपॉर्चुनिटीज़, वो उन पर्सनस को नहीं मिलती। ये हो गया हमारा एक इनइक्वालिटी। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है और डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अदर पर्सन, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग बताता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, क्रीड, कलर, इकोनॉमिक कंडीशन, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंस करना उनकी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों की बेसिस पे। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स वेन पीपल एक्ट ऑन दियर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब पीपल एक्ट करता है प्रेजुडाइज या फिर स्टीरियोटाइप्स की तरह। वी डिस्क्रिमिनेट पीपल फ्रॉम अदर्स बाय, जो पीपल्स होते हैं डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं दूसरों पीपल्स के थ्रू, पुटिंग देम डाउन, उन्हें नीचा दिखाते हैं, स्टॉपिंग देम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन अ सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड टेकिंग अप जॉब्स, स्टॉपिंग देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन एरियाज, प्रिवेंटिंग देम फॉर टेकिंग वाटर फ्रॉम सम सेम वेल। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डिस्कस 4 पॉइंट्स विद एग्जाम्पल। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज पुटिंग देम डाउन। डाउन कैसे? इन एंशियंट टाइम्स जो कास्ट सिस्टम था वो डिवाइडेड था अपर क्लास, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में। जो लोअर कास्ट के पीपल्स होते थे, फॉर एग्जाम्पल, उन्हें लोग अनटचेबल या फिर दलित्स बोलते थे। शेड्यूल कास्ट के ग्रुप ऑफ पीपल्स होते थे, उन्हें पुटिंग डाउन, उनको नीचा दिखाया जाता था। किस तरीके से? कि अगर वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अगर अनटच, यानी जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे, तो उन्हें सीट पे एक साथ बैठने नहीं दिया जाता था। बीइंग मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम बिकॉज ऑफ वंस बैकग्राउंड इज फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ दियर कास्ट। जो अपर कास्ट का चाइल्ड है वो सीट्स पे बैठते थे, और जो लोअर कास्ट के पीपल चिल्ड्रंस होते थे वो अलग, अपर कास्ट वाले चिल्ड्रन से अलग बैठते थे उसी क्लास में पढ़ने के लिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, पुटिंग देम डाउन, उनको नीचा दिखाने। स्टॉप देम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सर्टेन एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन सोसाइटी में टीचिंग कर रहा है, कारपेंटरिंग कर रहा है, पॉटरी या फिर फिशिंग कर रहा है, तो लोग उसे उसी की कैटेगरी में रहने के लिए कहते हैं। फॉर सर्टेन एक्टिविटीज़, जैसे कि जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, तो उसे सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग, वॉशिंग एंड गारबेज पिकिंग, इन सब चीज़ों के लिए ही देखा जाता था। यानी उन्हें और कोई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, ना ही किसी भी जॉब में। स्टॉपिंग देम फॉर लिविंग इन सर्टेन एरियाज़। सर्टेन एरियाज़ जहाँ पे अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रहता था, वहाँ पे जो
लोअर क्लास है वो वहाँ पे नहीं रह सकते थे, वहाँ सिर्फ अपर क्लास ही रह सकते थे. प्रिवेंटिंग देम फॉर टेकिंग वाटर फ्रॉम सेम वेल, एक ही कुएं से पानी लेने से भी मना किया जाता था. ये हो गया हमारा इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइस. डिफरेंसेस यानी कितना डिफरेंस है लोगों में. तो हमारी कंट्री में देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स, हमारी कंट्री में 8 मेजर रिलीजन्स हैं वर्ल्ड में. एवरी सिंगल वन ऑफ देम प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. वी हैव मोर देन 1600 languages that people's mother tongue, and there are more than 100 dance forms. 100 dance forms हैं, 1600 languages हैं mother tongues की, और 8 major religions हैं. Second is prejudice. Prejudice means to judge other people negatively or see them inferior. Prejudice मतलब कि हम दूसरे people को बहुत negatively देखते हैं और inferior. वी कैन प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स. हम पीपल प्रेजुडाइज करते हैं मैनी थिंग्स पे. फर्स्ट इज़ पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, उनकी जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनके बेसिस पे. कलर ऑफ दियर स्किन, उनकी स्किन के कलर के बेसिस पे. एंड द रीजन दे कम फ्रॉम, मतलब कि वो किस रीजन से आए हैं, यानी जियोग्राफिकल रीजन, किस प्लेस से वो आए हैं. एंड they speak, which language they speak, वो कौन सी language बोलते हैं. the clothes they wear, जो कपड़े वो पहनते हैं उसके basis पे लोग क्या करते हैं, judge करते हैं negatively other peoples को. next is creating stereotype. stereotype क्या है, when we fix people into one image we create a stereotype. जब हम people की एक image अपने mind में create कर लेते हैं वो हो जाता है हमारा स्टीरियोटाइप. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द सोसाइटी थिंक्स दैट द बॉयज डोंट क्राई एंड द गर्ल्स आर गुड इन डांस एंड पेंटिंग. दीज ऑल आर स्टीरियोटाइप इन द माइंड्स ऑफ पीपल, क्योंकि जो डांस है वो सिर्फ गर्ल्स ही नहीं अच्छा कर सकती, बॉयज़ भी कर सकते हैं. एंड they are emotional, girls are emotional, girls are good in cooking. all these are stereotypes for the boys and girls which create the society. and he believes that crying is a sign of weakness. इसीलिए जो बोलते हैं कि जो boys होते हैं don't cry, वो रो नहीं सकते, क्योंकि जो रोने का बिलीव है, साइन है कि वो जो वीक होते हैं वही रोते हैं. ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं स्टीरियोटाइप के. और भी पीपल स्टीरियोटाइप के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, जैसे रिलीजन, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों पे भी स्टीरियोटाइप्स माइंड में क्रिएट करते हैं. अब हम एक फ्लो चार्ट की तरह समझते हैं कि पूरा टोटल क्या है. सबसे पहले हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी ये हमारी यूनिटी भी हो सकती है. डाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग तरह के डिफरेंसेस होते हैं पीपल्स में, वो हो गया हमारा डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी को अगर हम पॉजिटिव वे में लें तो वो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी बन जाता है. जैसे कि हमने जब ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे तो हमने साथ में लड़ के अपोज करके उसको ब्रिटिश को यहाँ से भगाया था, तो वो हमारा हो गया यूनिटी. ये हमारा आ जाता है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. एंड इफ़ अगर हम डाइवर्सिटी को नेगेटिवली देखते हैं तो वो क्रिएट हो जाता है प्रेजुडाइस में, जो डिफरेंसेस हैं और जो माइंड्स में बन जाते हैं स्टीरियोटाइप्स, उन नेगेटिव पॉइंट की वजह से जो डाइवर्सिटी है वो लीड हो जाती है डिस्क्रिमिनेशन में. डाइवर्सिटी कम्स टू चेंज इन डिस्क्रिमिनेशन. प्रेजुडाइस हमने समझा कि जो पीपल हैं वो जज करते हैं नेगेटिवली अदर पीपल्स को. डिफरेंसेस हमारे अंदर होते हैं जो लैंग्वेजेस में, क्लोथ्स भी जो हम पहनते हैं, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, जो फूड हम खाते हैं, ये हमारे हो गए डिफरेंसेस. और स्टीरियोटाइप्स हैं व्हेन वी फिक्स पीपल इन वन इमेज, हम एक इमेज में क्रिएट कर देते हैं. ये और हमारे सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं. अगर हम इन डाइवर्सिटी को इन पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो जो
डाइवर्सिटी है वो लीड्स हो जाती है डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन में चेंज हो जाती है जब पीपल ऐड करते हैं प्रेजुडाइस और स्टेरियोटाइप। ये है डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन डाइवर्सिटी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जब डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन में चेंज हो जाती है। पीपल्स जो पुअर होते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, मनी नहीं होती है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, और जो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें नहीं दी जाती उसकी बेसिस पे वो पुअर रह जाते हैं। ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट हो गया डाइवर्सिटी से डिस्क्रिमिनेशन प्रेजुडाइज डिफरेंसेस, ये सब हमने इसमें कवर कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन कैसे हो गया, जो हम ऑक्यूपेशन करते हैं टीचिंग, कारपेंट्री, पोइट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, ये सारे हमारे क्या हो गए, ऑक्यूपेशंस हो गए। इस तरीके के काम वैल्यूएबल होते हैं अदर कामों से, जैसे कि क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज एक्सेट्रा आर लो और लेस वैल्यू। ऑक्यूपेशंस जो ये वाले हैं इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़। कास्ट सिस्टम के बेसिस पे कम्युनिटीज़, ग्रुप्स ऑफ पीपल वर डिवाइडेड इनटू अपर कास्ट, लोअर कास्ट कॉल्ड नाउ दलित्स, अनटचेबल्स। जो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी को डिवाइड है अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, जिसे अनटचेबल्स कहा जाता है और अब दलित्स कहते हैं। दलित मीन्स होता है ब्रोकन। द गवर्नमेंट रिफर्स देम एज शेड्यूल कास्ट, जो गवर्नमेंट है उसने इसको शेड्यूल कास्ट डिस्क्राइब किया है। कास्ट के रूल्स क्या हैं, दलित्स आर दोज पीपल हु आर इंगेज्ड इन मीन वर्क लाइक पिकिंग गार्बेज और रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। जो कास्ट के रूल्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट के पीपल हैं यानी जो दलित्स हैं, वो इंगेज रहते हैं कुछ कौन से कामों में, पिक गार्बेज और रिमूव डेड एनिमल्स। ये हमारा एंशियंट टाइम से फॉलो किया जा रहा है। दे आर नॉट अलाउड टू इंटर दी होम्स ऑफ अपर कास्ट, इन्हें अपर कास्ट के होम में एंट्री नहीं मिलती थी। नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम विलेज वेल और इंटर टेम्पल्स, टेम्पल्स में जाने की एंट्री नहीं थी, और ना ही इन्हें एक ही कुएं से पानी लेने की परमिशन थी। दियर चिल्ड्रन कुड नॉट सेट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट। ये जो एग्जाम्पल हमने बताया था कि जो शेड्यूल कास्ट के पीपल होते हैं वो अलग बैठते हैं, और जो रिच अपर सेक्शन ऑफ द पीपल के जो बच्चे होते हैं वो एक जगह बैठ के पढ़ते हैं, और ये इन्हें इन्फीरियर दिखाते हैं। अब हम देखते हैं रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क्रिमिनेशन, क्या रीज़न है जो रिस्पॉन्सिबल है डिस्क्रिमिनेशन के। फर्स्ट इज़ डिफरेंट लैंग्वेज, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन। डिफरेंट रिलीजन्स, लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स यानी ये प्लेस के बारे में हो गया, हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रहते हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स। ये रिलीजन्स हो गए। डिफरेंट कस्टम एंड प्रैक्टिसेस यानी जो कल्चर्स हम लोग फॉलो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के। डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी कोई रिच है कोई पुअर है, ये सारे हमारे हो गए बैकग्राउंड्स। सेकेंड इज़ मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर, पुअर की मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं। दे कैन नॉट मीट दियर बेसिक नीड्स, जो पुअर पर्सन है उन वो अपनी बेसिक नीड्स को नहीं फुलफ़िल कर पाते हैं। दे आर डिस्क्रिमिनेटेड इन ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, इन सब जगह पे वो डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं। दे आर ट्रीटेड बैडली एवरीवेयर, हर जगह उन्हें बैडली ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में। ये एक कंसीडर किए जाते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एंड बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित्स हु फॉट देयर राइट्स। ये भी एक दलित कम्युनिटी के थे और इन्होंने अपने राइट्स, अपने हक के लिए लड़ाई करी। ही वॉज बॉर्न इन महार कास्ट विच कंसीडर्ड एज अनटचेबल, ये महार कास्ट में बॉर्न हुए थे और जिसे अनटचेबल कंसीडर किया जाता है। द स्टोरी विल हेल्प अस नाउ, ही इज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। मैं आप लोगों को इनकी स्टोरी बताती हूँ।
जब ये 9 साल के थे तब ये अपने भाई के साथ, ब्रदर एंड कज़िन के साथ, अपने फादर से मिलने कोरेगांव जा रहे थे, महाराष्ट्र में जो अभी है वहाँ वो मिलने जा रहे थे। तो इनके साथ एक स्टोरी होती है, क्या होता है कि ये स्टेशन पे रह खड़े हुए होते हैं और अपने फादर से मिलने जाने के लिए, तो ये बहुत देर तक वेट करते हैं, वहाँ कोई नहीं आता है इनके फादर की साइड से। तो वहाँ के जो एक स्टेशन मास्टर होते हैं वो इनसे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ मतलब क्यों खड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं कि जो मेरे फादर के सर्वेंट हैं वो अभी आएंगे हम लोगों को लेने के लिए, लेकिन अभी यहाँ तक कोई आया नहीं है और हम जो है उनका वेट कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता है कि हम कोरेगांव कैसे पहुँचे। ये बहुत ही वेल ड्रेस्ड रहते हैं, बात करते हैं। उसके बाद जो स्टेशन मास्टर होता है वो इनसे पूछता है, तो ये बोलते हैं कि ये जो चिल्ड्रंस हैं अनटचेबल्स हैं, ब्राह्मण चिल्ड्रन नहीं हैं। ये बताते हैं कि हम महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जो मास्टर वो जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो इन्हें एकदम बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे ही ये बताते हैं कि हम महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर एकदम सडन चेंज आ जाता है। वो पहले बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, उसके बाद उनका जो बात करने का स्टाइल था वो बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद 15 to 20 मिनट्स के बाद जो उनके फादर हैं वो ना ही आते हैं और ना अपने सर्वेंट को भेजते हैं। ये लोग वहाँ वेट किया करते हैं और ये बहुत ही दुखी हो जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर के बाद जो स्टेशन मास्टर है वो आता है और कहता है कि एक बुलक कार्ट उनको हायर करके कि आप इससे जा सकते हैं। एंड वो कहते हैं कि आप हमें बुलक कार्ट से नहीं उसी से छोड़ दीजिए वहाँ पे। लेकिन वो कहते हैं कि हम आप लोग अनटचेबल्स हैं तो हम आप लोगों को उससे नहीं ले जा सकते हैं। तो जो ये हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं और जो इनके ब्रदर होते हैं ये बोलते हैं कि हम आपको डबल पे कर देंगे, बट फिर भी वो ले जाने के लिए रेडी नहीं होता है उन्हें। ये स्टोरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उसके बाद इनकी फाइट स्टार्ट होती है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो पहले पर्सन थे अपनी कम्युनिटी में जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट किया था एंड इंग्लैंड गए थे एक लॉयर बनके, टू बिकम अ लॉयर बनके आए थे। ही इनकरेज दलित्स टू सेंड दियर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज। ये अपने जो दलित कम्युनिटी है उससे कहते थे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। एंड ही लेड मैनी एफर्ट्स फॉर दलित्स। इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए एंट्री टेम्पल टू गेन एंट्री इन टेम्पल्स। और जो इनकी लाइफ है इन्होंने सर्च करी थी, सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेम्बर्स इक्वली। ये जो अपनी लाइफ है वो कन्वर्ट कर देते हैं बुद्धिज़्म में क्योंकि ऑल जो मेम्बर्स हैं वो इक्वली ट्रीट किए जाएं। और इन्होंने फाइट करी मस्ट इन कास्ट सिस्टम। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी के लिए प्रयास करना। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल इंक्लूडेड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। फर्स्ट इज दलित वुमेन ट्राइब्स पीजेंट्स सब लोगों ने मिल के ये अगेंस्ट द इनइक्वालिटी द एक्सपीरियंस दे हैव मैनी दलित्स फॉट फॉर गेनिंग एंट्री इन टू टेम्पल्स। वुमेन डिमांड राइट टू एजुकेशन पीजेंट्स एंड ट्राइब्स फॉर फॉर फ्रीडम मनी लेंडर्स एंड फ्रॉम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अ डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है दैट लेड आउट द रूल्स बाई विच द नेशन वुड फंक्शन। जो नेशन है वो उसके बेसिस पे चल सके। जो दलित वुमेंस और ट्राइबल पीजेंट्स थे उन्होंने इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में लड़ाई करी। जो वुमेंस थी वो डिमांड कर रही थी अपनी एजुकेशन्स के लिए, जो पीजेंट और ट्राइबल्स थे वो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। मनी लेंडर्स ने उनके जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी लेते थे वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें देते थे, इस वजह से ये हो रहा था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आइडियल्स ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. आइडियल्स क्या है? फर्स्ट इज एवरी वन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी. सभी को इक्वल राइट होना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. अनटचेबल्स हैज़ बीन लीगली एबॉलिश्ड. जो अनटचेबल है उसको लीगली एबॉलिश्ड कर दिया गया. पीपल हैव फ्री टू चूज टू काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू. जो काम वो करना चाहते हैं पीपल वो कर सकते हैं. गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल. जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो भी सबके लिए ओपन करी गई. फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. फ्रीडम है, किसी भी आप रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. जिस रिलीजन में चाहे आप उस रिलीजन में रह सकते हैं. फ्रीडम टू स्पीक दियर ओन लैंग्वेज. आपको खुद की लैंग्वेज बोलने का फ्रीडम है. फ्रीडम टू सेलिब्रेट दियर ओन फेस्टिवल्स. वी हैव टू स्ट्राइव फॉर इक्वालिटी इवन टूडे बिकॉज स्टिल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट. हम आज भी इनइक्वालिटी के लिए फाइट कर रहे हैं क्योंकि आज भी इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है. फॉर दिस पीपल विल हैव टू मेक एफर्ट्स. पॉजिटिव एक्शंस हैव टू बी डन. गवर्नमेंट हैज़ टू मेक एफर्ट्स एंड रूल्स टू इम्प्लीमेंट दैम. इन सब के लिए गवर्नमेंट्स ने रूल बनाए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एक ऐसा सिग्निफिकेंट एलिमेंट है जो हमारी डिफरेंट पीपल्स हैं उनकी फ्रीडम को फॉलो करें, वो हर चीज़ फॉलो कर सकें. उनके जो रिलीजन्स हैं, स्पीच जो लैंग्वेज वो स्पीक करते हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, उन्हें हर चीज़ का राइट होना चाहिए इक्वली. इसी वजह से जो इंडिया है बना सेकुलर कंट्री जहाँ पीपल डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट फेथ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो दियर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. दिस इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज अवर यूनिटी. वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर. इक्वेलिटी एक वैल्यू है जब हम स्ट्राइव करते हैं फॉर नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली. हमें ऑटोमेटिकली नहीं मिलती है. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ये यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर टू. अब नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर थ्री पढ़ेंगे जो है गवर्नमेंट. और इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें. नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे. थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो.